हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। पीसी के लिए सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो और आप बहुत सारी वेबसाइटों पे पीसी के सॉफ्टवेयर के लिए क्या करते हो, सर्च करते हो अलग अलग वेबसाइट पर, तो कहीं पे आपको मिल जाता है, कहीं पे आप डाउनलोड करते हो तो कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ, खास करके पीसी यूज़र के लिए है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो उस वेबसाइट पे आप वो जाके डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है गेट इनटू पीसी। तो मैं आपको पूरा एग्जांपल तौर पे वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैसे डाउनलोड करोगे, और साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप विजिट करें और आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो वहाँ पे सर्च करें और डाउनलोड करें। तो अब आपको किसी दोस्त को परेशान करने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरा यह सॉफ्टवेयर है वो उड़ गया है, अब क्या करूँ। तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, जो खास करके पीसी यूज़र हैं उनके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं गेट इनटू पीसी में आपको क्या क्या मिलता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें सर्च करो, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इस वेबसाइट पे वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो ले सकते हो, और आपको इधर उधर है वो भटकने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग वेबसाइटों पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप अपनी जो भी आप वेबसाइट चलाते हो या जैसे भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो वो कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जो वेबसाइट से करते हो उससे भी कर सकते हो। तो मैं किसी को पाबंद नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी वेबसाइट से वो डाउनलोड करें, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसको क्या करना है, ओपन करना है और उस पे आपको सर्च करना है गेट इनटू पीसी। तो गेट इनटू पीसी है वो आपको सर्च करना है। तो ये गेट इनटू पीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आप इस पे कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो, कोई सा भी, लगभग आपको सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर है वो अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो जावा से रिलेटेड हो, चाहे C++ प्रोग्राम से रिलेटेड हो, या कोई कोडिंग से रिलेटेड हो। आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए या पीसी के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ, नॉर्मली मुझे मान लो कि VLC प्लेयर है वो पीसी के लिए डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा और टेस्ट कर लूँगा VLC प्लेयर मीडिया। ये देखिए मेरे पास VLC प्लेयर है वो आ गया है, और इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नीचे मिलेंगे। सारा सिस्टम बता देगा कि आपके पीसी के अंदर है वो क्या क्या सिस्टम चाहिए, कितनी मेमोरी खाली चाहिए, सारा बता देगा। 32 बिट और 64 बिट दोनों के अंदर है वो अवेलेबल है। तो अब आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो 32 बिट के लिए और 64 बिट के लिए, तो दोनों के लिए ये अवेलेबल है। तो ऐसे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे सर्च करोगे तो वो सॉफ्टवेयर है वो लगभग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर कैटेगरी है, ग्राफिक है, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आपको जो चाहिए, मल्टीमीडिया के अंदर चाहिए, डिप्लोमेटिक के अंदर चाहिए, एंटीवायरस है या एजुकेशन है या ट्यूटोरियल्स है, तो जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ पे आपको लगभग वो मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लो मुझे वो फोटोशॉप चाहिए तो मैं फोटोशॉप इसके अंदर वो कैसे डाउनलोड करूँगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे फोटोशॉप वो सर्च करना है कैसे देखें। तो जैसे हम लोग सर्च करेंगे तो हमारे पास है वो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये देखिए फोटोशॉप का है वो ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से आप वो फोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हो, या एडोब के जितने भी आपको सॉफ्टवेयर वो सारे के सारे यहाँ पे रिजल्ट के अंदर दिखा देंगे। तो आपको कोई सा भी सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करना हो तो वो यहाँ से वो आप इजीली ये वो डाउनलोड
कर सकते हो। तो दोस्तों, जो पीसी यूज़र है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है, क्योंकि आपको कभी ना कभी फ्यूचर के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे हम लोग वो डाउनलोड कर लेते हैं इजीली। इसके अंदर आपको की भी मिलेगी जिससे आप लोग वहाँ से उसको एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप कोरल ड्रा जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ से आप लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो फोटोशॉप के सारे के सारे रिजल्ट वो यहाँ पर आपके सामने आए गए हैं। और वैसे भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना चाहते हो तो आप खुद वो यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिख के सर्च करके ज़रूर ट्राई करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक वो ज़रूर करें। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? तो इस प्रकार से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है पीसी के अंदर, तो आप बहुत ही इजीली है वो डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से। और आपको हर सॉफ्टवेयर है वो 64 बिट में और 32 बिट में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जाइए, जाके डाउनलोड कीजिए आपको जिस भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जैसे फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं जिन कुछ के मैं नाम भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे, तो वहाँ पे जाके सर्च करें और डाउनलोड करें। तो हर टाइप का आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर ले लो, विंडो ले लो, आपको जो भी डाउनलोड करना है वहाँ पे सब कुछ आपको एक ही साइट पे अवेलेबल है, तो अब आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी जानकारी देने की आपकी कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और आप दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।